नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज में छिड़ा हिजाब विवाद अब हथियार में तब्दील हो गया है। यहां हिजाब और हथियार का जोर देखने को मिल रहा है। वहीं इस विवाद को जन्म देने वाली छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने एंट्री दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या है हिजाब और हथियार कनेक्शन और क्या है शर्तें, इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक में खड़े हुए हिजाब विवाद को लेकर तकरीबन हर दिन रोज नई घटनाक्रम सामने आ रही है। सोमवार को कुंदापुरा के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कैंपस में एंट्री दे दी गई। हालांकि इन छात्राओं को अलग कक्षाओं में बैठाया जाएगा। यह मुद्दा जनवरी में उडुपी की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, जहाँ 6 छात्राएं तय ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कक्षा में आई थीं। इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदुरपुर के कुछ अन्य कॉलेजों में भी सामने आए। बेलगावी के रामदुर्ग यूनिवर्सिटी और हासन, चिकमंगलुरु और शिवमोगा में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या भगवा शॉल के साथ छात्र छात्राओं के आने की घटनाएं, और मैसूर के बन्नीमपंता में हिजाब के पक्ष में लड़कियों के एक समूह के प्रदर्शन करने की खबरें भी सामने आई थीं। वहीं हिजाब विवाद के बीच पुलिस ने उडुपी जिले के कुंडापुर में सरकारी पीयू कॉलेज के पास घातक हथियार ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 32 साल के अब्दुल मजीद और 41 साल के रजब के रूप में हुई। 2 आरोपी कुंडापुर के पास गांव गंगौली के रहने वाले हैं। जिला पुलिस ने कहा कि 5 व्यक्ति घातक हथियार ले जा रहे थे, उनमें से 3 मौके से भागने में सफल रहे। कुंदापुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन पर हत्या के प्रयास, घातक हथियारों से दंगा करने और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। ये लोग शुक्रवार को विरोध स्थल के आसपास घूमते हुए देखे गए। 5 लोगों के समूह का हिस्सा थे। ऐसा भी माना जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन का हिस्सा ये नहीं थे। पुलिस ने बताया कि 1 आरोपी पास के गांव का है, साथ ही 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उनका किसी राजनीतिक जुड़ाव है या नहीं। कुंदापुर पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली थी, जिसके बाद वह धरना स्थल पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 मौके से भागने में सफल रहे। गिरफ्तार किए गए लोगों में रजब और अब्दुल माजिद हैं, जिनके खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज हैं। बता दें कि कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले हिजाब या हेड स्कार्फ पर जारी विवाद के बीच शनिवार को हिंदू छात्रों का एक मार्च निकला, जिसमें वे भगवा स्कार्फ पहने थे और नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस घटना ने राज्य सरकार को समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया है। इस वाद विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने ऐसे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया जो स्कूल्स और कॉलेजेस में समानता, अखंडता और लोक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है, कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के खंड 133(2) को लागू किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक सम्मान शैली की पोशाक अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए। निजी स्कूल प्रशासन अपने अनुसार ड्रेस लागू कर सकता है, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थानों में विकास समिति या कॉलेज के प्रशासनिक बोर्ड की ओर से तय किए गए पोशाक ही पहनने होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।